So this is our chapter, force and law of motion, part 5. In this part, in this video, we will see numericals, some more numericals. ठीक है बच्चों, तो शुरू में हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल मैंने समझाया था, अभी कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे. अब ये पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. अब रेस्ट दिया हुआ है, यानी एक ट्रक स्टार्ट होती है रेस्ट से. रेस्ट माने रुकी हुई है, अभी स्टार्ट होगी. ठीक है, तो रेस्ट जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू, और वो हो जाएगी ज़ीरो. ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और हिल से नीचे उतरती है और उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस को एस बोलते हैं, 400 मीटर इन 20 सेकेंड. 20 सेकेंड टाइम दिया है, टाइम है हमारा 20 सेकेंड. ठीक है, फाइंड दिस एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन वी हैव टू फाइंड. एंड फोर्स एक्टिंग, और इसका फोर्स भी हमें जो है फाइंड आउट करना है. अगर उसके ऊपर मास 7 टन्स का रखा हुआ है, 1 टन की वैल्यू जो है 1000 ग्राम है, तो मास भी लिख लेते हैं. मास यहाँ पे लिख देते हैं, मास है हमारा 7 टन्स. 7 टन्स को अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 7000 kg. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे. कोई ऐसा फार्मूला देखो जिसमें यू हो, एस हो, टी हो, एक्सीलरेशन ए हो, तो ऐसा फार्मूला होता है न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन. वो क्या होता है, यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब यू की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, टाइम हमारे पास 20 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में आ गया, प्लस हो गया 1/2 इंटू ए. ए की वैल्यू जो है नहीं पता है, हमें निकालनी है. एस की वैल्यू हम लोग यहाँ 400 लिख सकते हैं. ठीक है, टी स्क्वायर, टाइम 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 400 होगा, 400 यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400. ठीक है, 400, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, आएगा हमारा 200, तो बच जाएगा 400 इज इक्वल टू ए इंटू 200. अब ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 200 है ये हमारा कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पे 400/200 इज इक्वल टू ए. इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 2. इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद हमें फोर्स पता करनी है, तो फोर्स का जो है यहाँ से थोड़ा जगह बना लेते हैं. फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए. एम की वैल्यू है 7000 kg. 7000 kg इंटू ए की वैल्यू आई है 2, और 7 × 2 = 14. 14000 न्यूटन, ये हमारी एफ की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये है. इसके बाद हम लोग जो है दूसरा इक्वेशन, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं. ये है हमारा दूसरा न्यूमेरिकल. अ स्टोन ऑफ 1 kg, 1 kg का स्टोन है, तो मास हमारा मिल गया हमें, मास मिल गया 1 kg. ठीक है, अ स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद अ वेलोसिटी, इसको फेंका गया, इस स्टोन को, ये मान लो स्टोन है तो इसको ऐसे फेंका गया, तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से इसको फेंका गया. अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, एक जो है सूखी हुई झील है, जमी हुई झील है, ठंडी की वजह से झील जम गई है, उसके ऊपर एक स्टोन को फेंका गया. ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, यानी वो स्टोन धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है. रेस्ट माने वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर
ठीक है, देन व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देख लो ऐसा कोई फार्मूला है जहाँ U हो, V हो, S हो, तो ऐसा फार्मूला हमें याद आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ऐसा फार्मूला हमें याद आ रहा है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। तो हमें S मालूम है, U मालूम है, V पता है, तो A पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो A, जब A फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 और ये S दोनों इधर नीचे आएगा, तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2S इज इक्वल टू A। अब इसको वैल्यू रखो, V की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस U है 20, तो 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू एस की वैल्यू है 50, ठीक है, इक्वल टू ए। अब माइनस 400 होगा यहाँ पे, माइनस 400 बाई 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। तो इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 4 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू आएगा माइनस 4, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें पता करना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F पता करना था, तो F का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, और एक्सीलरेशन हमारा आया है माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4 न्यूटन। माइनस की वैल्यू है मतलब ये फ्रिक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि जब इसको इधर फेंका गया तो ये जो है स्टोन ऐसे लुढ़कते हुए यहाँ पे आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए इसकी वैल्यू माइनस है, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल है। अब देख लो यहाँ पर कुछ असाइनमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ, तो मास माने एम की वैल्यू दी गई है, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स एफ, हमें फाइंड आउट करना है एफ इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉपड विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन, यदि ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ये ए की वैल्यू है लेकिन माइनस में होगी, माइनस 1.7 होगी, ठीक है। जिस सारी वैल्यू पुट अप करके फोर्स एफ हमें निकालना है, बहुत ईजी है, कर लेना। सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, दिख रहा है ना, सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड में क्या है कि अ हॉकी बॉल, एक हॉकी का बॉल है जिसका मास है, तो ये एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू है। ट्रेवलिंग एट ए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब कि ये यू है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। स्टक बाई अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न सो लॉन्ग इज ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी, यानी बाद में इसकी वेलोसिटी जब स्टिक से टकराती है तो हो जाती है 5, यानी ये v दिया है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो चेंज होगा वो निकलना है, तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, पहली वाली मोमेंटम को दूसरी वाली मोमेंटम से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब पहली वाली मोमेंटम कैसे निकालोगे, m लिखोगे, m है 200 ग्राम, ठीक है, केजी में इसको कन्वर्ट कर लेना, आता है तुम लोगों को। और पहली वाली है तो u की वैल्यू रखोगे 10 रखोगे, आ गया 2000, ठीक है, ग्राम, जो भी इसका यूनिट होता है। उसके बाद P2 निकालना है तो P2 निकाल लेना, P2 की वैल्यू मास तो सेम होगी लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो 1000 आ जाएगी, इसकी यूनिट लिख देना, आप दोनों को माइनस कर देना, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, यही करना है। तीसरा देख लो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो मास दिया है, m की वैल्यू दी गई है। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी, अब जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है
तो यू है हमारा ये। स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, किसी वुडन का ब्लॉक है उस पर टकराती है और रेस्ट में आ जाती है, तो रेस्ट मतलब वी दिया है तो वी हो जाएगी ज़ीरो, रेस्ट माने ज़ीरो, ठीक है। टाइम दिया है ये 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस माने एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि बुलेट कितनी डिस्टेंस कवर की। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स भी फाइंड आउट करना है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ये करना है।